पहले तैर के निकल गया था, तो 12 का ही था हमको मिल रहा है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप विश्व नेशन देख रहे हैं। बिहार के लिए आज का दिन बेहद मनहूस है। एक तरफ जहां कोरोना का संकट, वहीं राजधानी पटना में पीपा पुल पर हुए हादसे में अब तक 10 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। शादी का घर माता में बदल गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना के दानापुर के द्वेरा इलाके की, जहाँ पर पीपा पुल पर अनियंत्रित हुई एक पिकअप वैन जो है नदी में जा गिरी, जिसमें सवार महिलाओं समेत 10 लोगों के शव अब तक बरामद हुए हैं, जबकि जानकारी के मुताबिक अभी भी कुछ लोग लापता हो सकते हैं। इस तमाम चीज़ों के बीच में रेस्क्यू के लिए लगातार जो है स्थानीय विधायक हैं नित्यलाल यादव, वो कैंप कर रहे, जबकि पटना के दानापुर से बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव भी वहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर NDRF और SDRF की टीमें भी लगातार हैं, जो कि वहाँ पर जो बचाव और राहत का जो कार्य है उसमें लग गई है। आपको बता दें कि वहाँ पर क्रेन की मदद से, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो है पूरे उस पिकअप वैन को बाहर निकाला गया है। जानकारी के मुताबिक राजधानी पटना में शुक्रवार की सुबह ये बड़ा हादसा सामने आया, जहां पर दानापुर में पीपा पुल से एक पिकअप वैन गंगा में जा गिरी। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 10-12 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से अफरा तफरी का माहौल है। पिकअप वैन में सवार सभी अकेलेपुर के रहने वाले थे, जो कि एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए दानापुर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन में 18 लोग के आसपास सवार हो सकते हैं। अब तक 10 लोगों का ही शव बरामद हुआ है। 2 लोग तैरकर बाहर आ गए, जबकि बाकी की तलाश चल रही है। आपको बता दें कि पिकअप वैन अनियंत्रित हो गई और पीपा पुल के रेलिंग को तोड़ते हुए गंगा नदी में जा गिरी। वैन की छत पर जो लोग सवार थे उन्होंने किसी तरीके से अपनी जान तो बचाई, लेकिन जीप के अंदर बैठे लोग गंगा में डूब गए। पिकअप वैन को गंगा में ही निकालने के लिए गोताखोर लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। अब तक 10 शव बरामद हो चुके हैं। NDRF व SDRF की टीमें राहत व बचाव के कार्य में जुटी हुई है। मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद है। वरिष्ठ अधिकारी भी वहां लगातार कैंप कर रहे हैं और इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि मामला गुरुवार की रात का है, जब अकिलपुर दियारा इलाके के रहने वाले विक्रम सिंह के भतीजे राजेश का तिलक था। गंगा में डूबने वाली गाड़ी पर सवार इसी कार्यक्रम से लौट रहे थे। हादसे की सूचना के बाद शादी वाले घर के लोग सन हैं, तो पड़ोस जो पीड़ित हैं उनके घर हाहाकार मचा हुआ। क्या कुछ कहना है नित्यलाल यादव का और साथ ही साथ बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का, छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई की धरातल पे नहीं दिख रहा है। और हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, शासन प्रशासन जो भी उनका है, इससे भी सीख ले कि दोबारा इससे बड़ा घटना पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल सही बात, मेरे याद में इतनी बड़ी घटना इस इलाके में नहीं हुआ। आज शॉकिंग न्यूज है हम सब लोगों के लिए। मैं स्तब्ध हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं दुख की घड़ी में किस तरह से लोगों को जो प्रभावित हुए हैं उनके लिए कुछ कहूँ। शासन लगी हुई है, NDRF का टीम आ गया है। मेरी सूचना मिलते ही मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और मैं समझता हूँ कि शासन लग गई है और जो भी है शव निकालने का प्रयास किया जा रहा है निकले। अब ये तो पता नहीं है कि कितने लोग इसमें नहीं हैं, सुनी सुनाई बात कही जा रही है, पर पूरा का पूरा गाड़ी भरा हुआ था और मैं समझता हूँ संख्या उसकी अधिक ही होगी, ऐसा मुझे लगता है। अब ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी सभी शव बरामद हो जाए। और बहुत मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ।